वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। दोस्तों आज जो मूवी हम देखेंगे उसका नाम है द स्नेक एंड द मिरर, और इसके राइटर हैं वाईकॉम मोहम्मद बशीर, जिसमें ये पूरी कोशिश करता है कॉमेडी करने की पर इससे हो नहीं पाती है। तो चलो शुरू करते हैं। एक कमरे में डॉक्टर्स का गेट टुगेदर हो रहा था, और हर एक गेट टुगेदर की तरह यहां भी कुछ किस्से सुनाए जा रहे थे। उन्हीं में से एक होम्योपैथ डॉक्टर बोलता है, क्या तुमने कभी डर को महसूस किया है? क्या तुम लोगों ने कभी सांप को अपने शरीर पर रेंगते हुए फील किया है? रूम में बैठे सभी लोग चुप हो जाते हैं। फिर वो डॉक्टर अपनी कहानी बताना शुरू करता है। मैं पहले ही बता दूं, ये कहानी डॉक्टर नरेट कर रहा है, और जो राइटर है यानी अपने बशीर साहब, वो रूम में बैठे डॉक्टर्स में से एक हैं। ये उस समय की बात है जब मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू ही की थी, और तब मेरी जेब में बस 60 रुपए थे, मेरे सूटकेस में कुछ कपड़े थे और एक ब्लैक कोट था जिसे मैं बहुत शान से पहना करता था। पैसे थे नहीं तो एक रेंट के घर में रहना पड़ता था जिसमें बिजली का कोई नामो निशान तक नहीं था। अब तक तो तुम समझ गए होगे, ये बेचारा डॉक्टर बहुत गरीब था। तो एक रात मैं रेस्टोरेंट से खाना खा के वापस घर आया। जैसे ही मैं अंदर गया मुझे कुछ आवाज आने लगी। मैं समझ गया था कि ये चूहों की आवाज है, क्योंकि एक तरीके से मैं और चूहे साथ में ही रहते थे। अंधेरा बहुत था तो मैंने लैंप जलाया और एक मेडिकल बुक मेटीरिया मेडिका पढ़ने लगा। टेबल के साइड ही एक बड़ा मिरर था, और जैसा तुम लोग देख चुके हो कि मैं कितना हैंडसम हूं, इसीलिए मैं खुद को मिरर में देखने से रोक नहीं पाया। मैंने कंघी से अपने बाल बनाए और अपने ही ख्यालों में खो गया। क्योंकि मैं इतना हैंडसम हूं तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रोज शेव करूंगा और एक मुस्टैश भी रखूंगा। यही नहीं, मैं हमेशा अपने चेहरे पे एक स्माइल रखूंगा, क्योंकि मेरी ये स्माइल देख के सारी लड़कियां मुझ पे मरने लगेंगी। वैसे किस्मत तो देखो, एक तो मैं सिंगल, ऊपर से इतना हैंडसम, प्लस मेरा एक्स फैक्टर है कि मैं एक डॉक्टर हूं। हर एक लड़की जान देगी मुझे डेट करने के लिए। और तब लड़की से मुझे अपनी शादी का ख्याल आता है। मैं एक अमीर लड़की से शादी करूंगा जो डॉक्टर होगी और थोड़ी मोटी होगी, ताकि अगर कभी मेरा अफेयर चले या मुझसे कोई गलती हो जाए तो वो मुझे पकड़ ही ना पाए। लेकिन वो अलग बात है कि अभी मेरी शादी एक पतली लड़की से हो चुकी है। इन सब ख्यालों के बाद मैं फिर से बुक पढ़ने लगता हूं। तभी अचानक से कुछ गिरने की आवाज आती है। इस बार ये चूहों की आवाज नहीं थी। वैसे तो ये चिंता वाली बात नहीं थी, पर फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, एक सांप मेरे कंधे पर था। उसे देखकर घर की तरह मेरी भी बत्ती गुल हो गई। मैं वहां से हिला नहीं, बस एक स्टैचू की तरह बैठा रहा और सोचने लगा कि अगर अब इस सांप ने मुझे काट लिया तो क्या करूंगा। मेरे पास तो कोई मेडिसिन भी नहीं है, मेरी 3 सालों की डॉक्टर की पढ़ाई भी किसी काम की नहीं रहेगी। उस टाइम मुझे दुनिया का हर एक भगवान याद आ जाता है। मैं अपनी उस हालत पे हंसने लगता हूं। फिर वो सांप धीरे धीरे मेरे लेफ्ट आर्म से होके मिरर की तरफ जाता है और खुद को मिरर में देखने लगता है। मुझे लगता है वो भी अपने आप को मिरर में देखकर मन ही मन अपनी तारीफ कर रहा होगा कि मैं कितना लचीला हूं, अगर मैं अपनी आंखों पर काजल लगा लूंगा तो कैसा लगूंगा। फिर क्या था, मैं उठा और फुल स्पीड में अपने दोस्त के घर भाग गया। वहां पहुंचते ही मुझे कुछ शांति मिलती है। अगले दिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ घर पे आया तो देखा कि मेरे घर से मेरा सारा सामान गायब हो चुका था। चोर सब ले गए थे सिवाय मेरी एक बनियान के। शायद उन्हें लग रहा था कि मेरी बनियान कुछ ज्यादा ही बदबू मार रही थी। क्या यार,
धोकर तो उसे यूज कर ही सकते थे ना, इतनी भी सड़ी बनियान नहीं थी मेरी। उन चोरों ने मेरी यानी एक डॉक्टर की इंसल्ट की है, उन चोरों को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो यहां पर डॉक्टर जी की कहानी खत्म होती है और हमारी भी। और आज का मॉरल है, हर थोड़े थोड़े टाइम में आईने में अपनी शक्ल देख लेनी चाहिए। कुछ भी कहो, हूं तो मैं सेक्सी। वेलकम टू भाई की भड़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। और दोस्तों सब खैरियत, तो चलो शुरू करते हैं। आज की पोएम का नाम है, एक मिनट, पोएम का नाम तो तुमने वीडियो के टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। पता नहीं फिर मैं हमेशा वीडियो में तुम्हें टॉपिक का नाम क्यों बताता रहता हूं। खैर छोड़ो, तो आज की पोएम का नाम है स्नेक। मैं नागिन नागिन और इस सांप का सपेरा है डीएच लॉरेंस। इधर सपेरे से मेरा मतलब पोएट है। तो पोएट इस पोएम में अपना एक किस्सा बता रहा है, कैसे एक दिन उसका सामना एक सांप से हुआ। वुमेन मिरर में अपनी असली रिफ्लेक्शन देखकर रो पड़ती है, क्योंकि उससे ये कड़वा सच नहीं माना जा रहा कि अब वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही। अब वो दिन गए जब लड़के उस पर मरा करते थे और उस पर लाइन मारा करते थे। मुझे भी अपने जीवन का एक हिस्सा याद आ रहा है भाइयों। जब मैं छोटा था तब मैं और मेरा भाई घर के अंदर खूब क्रिकेट खेला करते थे। घर को वानखेड़े स्टेडियम बना रखा था। तुम तो जानते ही हो, बड़ा भाई पहले बैटिंग कभी नहीं देता। तो एक दिन मैं बॉलिंग कर रहा था और मेरा बड़ा भाई पूरी फॉर्म में था, तेज तेज शॉट मारे जा रहा था। मैंने उसे कहा भी कि थोड़ा देख कर मार, वरना घर का कुछ सामान टूट जाएगा। पर वो लपेड़ा कहां सुनने वाला था, उसने घुमा के एक लप्पा मारा और बॉल सीधा शीशे पर लगी और शीशा टूट गया। मेरी काम वाली कहती है, आए रामा रामा, ये तो बहुत ही अशुभ हो गया। मैंने कहा, अब मेरी बैटिंग नहीं आएगी, इससे ज्यादा अशुभ क्या हो सकता है। पर बड़े भाई के लिए कुछ ज्यादा ही अशुभ हो गया जब मम्मी ने बड़े भाई को उसी के बैट से उसी के चूतड़ों पे जो शॉट मारे, दावे के साथ कह सकता हूं उस दिन मम्मी ने हाफ सेंचुरी पूरी कर ही दी होगी। वैसे सांप से मुझे एक अपना किस्सा याद आ रहा है। एक बार मैं अपने गांव गया था। मैं और मेरा कजन भाई सुबह सुबह खेत जा रहे थे, हगने के लिए नहीं, घूमने के लिए। तो मैं ऐसे ही मुंह उठाकर चले जा रहा था और तभी मेरा पैर एक सांप पर पड़ गया और उस सांप ने मुझे डस लिया। भाई इतना दर्द हो रहा था ना, बस पूछो मत। तब मुझे लग रहा था अब तो मेरा राम नाम सत्य होने ही वाला है, मेरी जान सी ही निकलने वाली थी कि तभी मेरा कजन बोला, अबे ज्यादा नाटक मत कर, ये जहरीला सांप नहीं था और चलते रहे चुपचाप। अच्छा हुआ उसने सही टाइम पर बता दिया, वरना मैं तो उसे अपनी अंतिम इच्छा बताने वाला था। वैसे भाई तुम्हें मैं बता दूं, स्नेक की सिर्फ 25% स्पीशीज ही पॉइजनस होती है। आज की पोएम का दी एंड होता है। तो मॉरल है, तुम सुबह स्कूल जाने से पहले आईने के सामने एक घंटे तक अपने बाल सेट करते रहो, लेकिन स्कूल में तुम देखोगे तो ऐसे ही जैसे तुम्हारे बालों में किसी ने बेब्लेड या फिर वो कौन सा टॉय आया है नया, हाँ फिजिट स्पिनर, वो घुमा दिया हो। तो गधों की तरह सुबह सुबह बाल सेट ना करें, वरना बस छूटने के पूरे पूरे आसार हैं।